हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी हम ललित के लिए जो केक लाए थे वो काटेंगे और लास्ट में आपको एयरबीएनबी के बारे में बताऊंगी क्या प्रॉब्लम आई थी हमें। दोस्तों आज मेरा तीसरी बार बर्थडे बनने वाला है, एक और बार बन रहा है, देख लो भाई जल्दी आओ। 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मैंने ना ललित का गिफ्ट छुपा के रखा था, ठीक है, तो अब मैं लेकर आती हूँ और देती हूँ, वो है यहाँ पर। तो चलिए भाई देखो, गिफ्ट आ चुका है और ये गिफ्ट बहुत ज्यादा स्पेशल है ललित के लिए। भाई जरूरत है इसकी। मैंने केक खिला दिया, किसी ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। अच्छा, ये ले, यूज करा हुआ टिश्यू पेपर। ये क्या है भाई? केक देखो, सब लोगों ने खा लिया। हम ही ने तो दिया तेरे को केक। दोस्तों कुछ नहीं दिया, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा घर 2 दिन के लिए। और इतने सारे कपड़े भी तो दिलाए थे, वो शॉपिंग भी तो वही, जो 50 रुपए के तुझे कपड़े दिलाए वो सरोजनी से। हाँ मम्मी, ये हुई ना बात, मम्मी पैक क्या रहे, मम्मी रोज पी के फेंकता है, रोज वो पिया हुआ है, पिया हुआ है, देखियो। चलो दोस्तों, गिफ्ट गिफ्ट होता है जैसा भी हो, ले आ अपना बीवी के दे दीजिए। ये देखो दोस्तों, ये मेरे लिए गिफ्ट दिया मम्मी ने। यार मैं ललित के लिए गिफ्ट लाई थी, वो कहाँ गया? कैसा लग रहा है आपको ये फ्लावर? ये हम लोग लल्ला, मेरी तरह से सबसे जरूरी चीज पानी की बोतल 3। सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपको समझ में आएगा अगले ब्लॉग। थैंक यू। देखो भाई मुझे फूल कैसा लगा, देख घर के साथ तोरा बीबी खाती फूलों मिल गई। दे दे बीबी को, ये लो बीबी। बीबी चलो भाई, ये तो स्पॉइल हो गया भाई पहले ही। मेरा गिफ्ट मुझे क्यों पता है कहाँ पर है, बताओ। ऐसे कभी देखा? देख लिया, मैं लेके इसे देख लिया, ले। तो दोस्तों ये देखो, पसंद भी मैंने किया है, पैसे भी मैंने दिए और ये मेरा गिफ्ट है। नहीं, पैसे तुमने नहीं दिए, तू दिया क्यों गया वो बता। मेरे पास था ना बाहर। ये देखो दोस्तों, और तेरे को ये दिया क्यों गया है, क्योंकि तू एक भी कपड़ा नहीं लाया है। पता नहीं कौन इसका कपड़ा पसंद करता है। तुझे ही बुला रही थी ललित। अच्छा नहीं है, नहीं शॉर्ट तो ठीक है, आपको पसंद आया? मेरे को इसको इसको हरदम देखता है। देखो भाई, ये मुझे बहुत पसंद है। देखो मम्मी ने मुझे मेरे लिए पसंद किया शर्ट। मैं जब फ्री हो जाऊंगा तो इसमें देखूंगा कि कहाँ पे पहन के कहाँ घुमाना है। कल इसको पहन के आपको ब्लॉग में दिखाएंगे, ठीक है? कल ही पहन लेगा लल्ले। और अगला गिफ्ट अंजलि के बर्थडे पे अभी पहन लियो भाई, तेरे को जबरदस्त। और तेरे साथ साथ रवीना के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट है। ये तो मेरा थोड़ी ना, तेरी बीवी का है ना, रवीना का है ना भाई, रवीना का गिफ्ट है, रवीना का गिफ्ट है। मतलब तू भी पहन लियो, रात में कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये भी रवीना का है। मैं गिफ्ट दूं अंजलि? मैं गिफ्ट देता हूँ। भाई मेरा गिफ्ट दे। यार मैंने करी थी शॉपिंग मस्त। भाई मेरे को भी रवीना गिफ्ट देने वाली है। ये बहुत ही सील पैक ग्रीजर। ग्रीजर नहीं है, गीजर। गीजर भाई, कितने लीटर का? 15 लीटर। और एक और भी तो लगा के रखे हैं। दो अगले बर्थडे में दूंगा। तेरे सब गिफ्ट है, ये बैठने के भी काम आता है, ठीक है। और नानी एक और गिफ्ट है जो रवीना मुझे देने वाली है, बहुत जरूरी है ललित के लिए, ये लक्की को भी पता है। और उसके बारे में मुझे पहले से पता है दोस्तों, आप ही के लिए सिर्फ होगी वो खास चीज, मेरे को तो पता हुआ है दोस्तों। ये है वो गिफ्ट, ये है दोस्तों ब्लिंकिट से मंगाया हुआ पावर बैंक। ब्लिंकिट से मंगाया हुआ पावर बैंक MI का 20,000, क्योंकि फोन में हमेशा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से खरीद लेना। अरे भाई बस कर जाओ तुम लोग, उसका गिफ्ट है यार। तो ये मेरा फोन चार्ज रहता है, फोन ना हमेशा 2% पे ही रहता है, तो इसी वजह से। अच्छा क्या, कभी भी इसको कॉल कर लो, कुछ कर लो, कभी भी नहीं, हमेशा कहता है कि चार्ज नहीं है, ये नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, 1% 2% आपको भी करके भिजवाना है तो नीचे दिए ईमेल एड्रेस पे थप्पड़ मारूंगी। सेव अच्छे कमेंट करना है और कुछ नहीं चाहिए। देख लो दोस्तों, चलो ठीक है यार,
आप प्यार दे दो वही गिफ्ट है मेरा। क्या ये गिफ्ट की क्या ही कीमत है दोस्त? हाँ ये मटेरियलिस्टिक मटेरियल वर्ल्ड ये क्या ही है दोस्तों। हाँ लेकिन देने की जरूरत नहीं थी। हाथ का मैल है दोस्तों। हाँ हाँ जरूरत भी थी ना। अरे वो हाथ का मैल है दोस्तों। हाथ नहाओगे उसका मैल छूट जाएगा, इसलिए नहाना नहीं चाहिए। उसको केक खिला भाई, उसका भी फ्रेश पड़ोसी है वो भी मारा होगा। पावर बैंक है, बहुत ही सुंदर स्टाइलिश। ये भी काला ही है। सही है, सफेद दिखना चाहिए ना। थैंक यू रवीना, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना ख्याल रखती है। नहीं इसने यूजफुल चीज दी इसके लिए, तो मैंने भी जब इसने बताया था ना कि मैं ललित के लिए ले रही हूँ, तो मैंने बोला सही, बहुत जरूरी था, मच नीडेड। बिल्कुल ही। थैंक यू एवरीवन, आप सभी ने इतना प्यार दिया इस वीडियो को, 1 मिलियन व्यूज आ गए इस वीडियो को, थैंक यू। पापा ने बोला कि तेरे को एक बार एम्पलीफायर दिया था, वो तूने तोड़ दिया। वो एम्पलीफायर मुझे जब मैं 6th-7th क्लास में था तब खरीदा था, तो पापा बोल रहे कि तूने एम्पलीफायर तोड़ दिया, इसी तरह कोई गिफ्ट नहीं है। कोई भी सवाल नहीं है, गिफ्ट की बात नहीं है। वो एम्पलीफायर का उतना का 3,000-2,000 का सामान एक दिन में खरीदवाता है ये। आज चाहिए तो आज चाहिए, चाहे दुनिया अलट जाए पलट जाए, और नहीं तो खाना पीना छोड़ देगा। हो गया काम, खरीदवाता था। तो भाई पापा ने मुझे सबसे अच्छा जो गिफ्ट दिया था, जिसकी वजह से हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब कुछ आप वीडियो देख पाते हो, सबसे पहला हमें एक मेरे पास एक सी वो था कंप्यूटर, वो डब्बे वाला, वो डब्बे वाला। तो पापा ने उस टाइम ड्यूअल कोर सीपीयू था, तो पापा ने उसकी 6 महीने की किश्त भर के वो वाला मुझे पीसी दिलाया था। 16,000 रुपए का था वो, उसका वो सीपीयू सिर्फ सीपीयू के लिए पापा ने 6 महीने की किश्त भरी थी, सोचो। और वो वाला उसी से हमने स्टार्टिंग में रोजाना खाना की वीडियो एडिट करके हम डाला करते थे। रोजाना खाना से पहले पहले काफी सारे यूट्यूब चैनल थे, पर उस पे कभी दिखाया नहीं आज तक। मतलब सब कुछ उसी से पे सीखा हम लोगों ने। उसे पहले वो लिया कैसे गया था, क्या बोल के लिया गया था? अंजलि पढ़ाई करे, अंजलि बोलती थी, अंजलि को भी दोस्तों, अंजलि को भी अच्छा लगता था, अंजलि को फेसबुक चलाना अच्छा लगता था। और बाकी एक्स्ट्रा मार्क्स करके एक वेबसाइट होती थी meditation.com ऐसे करके, वहाँ पर हम लोग वो साइंस क्लासेस या सब कुछ बहुत सारी चीज लेते थे। तो ये था, अंजलि को फंसाया गया कि नहीं अंजलि पढ़ाई अच्छी होती है, इसमें तो एनिमेशन अच्छी होती है, तो ले ले किसी पे अच्छा फेसबुक चलता है, ये समझाया गया था। तो उस टाइम पे स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे देखो अभी तो वो तो पापा को भी पता होगा पापा ने कैसे 6 महीने में किया होगा। और लेकिन मुश्किल से पैसे बचा के तब जाके वो सीपीयू लेके आए। सीपीयू लाने के बाद मतलब उसका वो लाना था माउस कीबोर्ड, फिर उसमें पावर डेक्स अरेंज करवाई, फिर उसके बाद उसका मॉनिटर लेकर आए, तो खर्चे पे खर्चे। मतलब घर का पहला पीसी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से आया। तो वो आया था 11-12 का बात है दोस्तों, 2011-12 का बात, 10 भी हो सकता है मम्मी उस टाइम, 11-12 का बात होगा। गली में सबसे अच्छा हाई जो आया था ना, हाई एंड कंप्यूटर हमारे पास आया था, हमारे दोस्त चलाने आते थे मेरे घर पे। गेम भी खेलते थे सब, 10 रुपए में गेम खिलाता। बिजनेस माइंडसेट तो बस ऐसा ही है। और पैसा होता है ज्यादा तो आदमी कोई सामान कितना भी महंगा खरीद देता है, जब पैसा नहीं रहता है ना और वो टाइम याद आता है तो आदमी को लगता है कि पैसा की कितनी वैल्यू थी पहले। अब आज क्या है, आज देखिए आपके सामने गिफ्ट आ गया, वो आज पावर बैंक खरीद लिए, तो आज है कि चलो देना ना देना कोई भी खरीद सकता है इसमें से, लेकिन टाइम कभी कभी मतलब 2,000-3,000 की चीज कोई बड़ी चीज नहीं, नहीं है आपके टाइम पे, काफी मेहनत के बाद ना मिला है ये। पर वो 16,000 की चीज समझ लो 16,00,000 रुपए के बराबर थी, ऐसी चीज थी वो, क्योंकि 6 महीने की क्या सोचो। और उसके लिए मैं कम से कम साल भर पहले रोया भी था, हड़ताल भी रोता था, कभी खाता नहीं था, करता जब भी पतला हो गया दोस्तों, आदत है बचपन से जिद कर देना। आज स्कूल गया आएगा तो बोलेगा कि ये चाहिए, अब भाई चाहिए तो पैसा भी तो होना चाहिए, 500-1,000 से कम का तो कोई बात ही नहीं बोलेगा। हाँ पापा आज शाही पनीर आएगा, और ना नहीं ना, इसका शाही पनीर सबसे फेवरेट, बर्थडे पे यही बाबू वाला था। आप समझ लीजिए कि 250-200 रुपए का प्लेट है शाही पनीर, दो चीज तो हमारे घर है परमानेंट, एक चिल्ली चिकन बर्थडे पे, शाही पनीर। शाही पनीर अगर रुके तो यहाँ पे तो जरूर खिलाएंगे आपको। वो पापा हमेशा घर पे जैसे बर्थडे या कोई ओकेजन होता तो पापा लाते थे, और वो आज भी हम सबको उसका टेस्ट पसंद है,
और वो उस टाइम पे 500 रुपए का आता था ना पापा, तो मतलब कितना महंगा होटल से लेके आते थे। हाँ वो हमारे जो 500 रुपए में हम 5 लोग खाते थे, फिर भी हम लोग को इतना महंगा लगता था वो चीज कि पूछो मत। और आज बारबेक्यू नेशन में 2000 रुपए एक आदमी का देते, तो 2000 रुपए का तो नहीं लगता, 1000 रुपए से होता है, 1000 रुपए वो 500 रुपए था ना, 500 रुपए मेरा दिन भर में बचेगा नहीं। हाँ। फोन कर देगा कि शाही पनीर नान जाना है, मेरा 500 बचेगा नहीं, लेकिन मैं जो ग्राहकों से बेच के रखूंगा तो राशन वाले को 100 रुपए कम दे दूंगा, लेकिन 500 मेरे जेब में चाहिए कि मैं उस ढाबे वाले को दे दूं। हाँ। और वहां से मैं सामान दूं, क्योंकि वो सब इंतजार कर रहे हैं। पापा पूरा ढाबे का सारा पूरा, अगर जर्नी जानना है दोस्तों तो आपको मतलब एक वीडियो मिलेगी हमारी फैमिली के साथ, और बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए, दोनों चैनल हमारा ही है, ठीक है। तो आप लोग बहुत इंजॉय किए होंगे ललित का बर्थडे, बातें तो होती रहेगी दोस्तों। अब थोड़ा सा देखिए, हम लोग पुराने जमाने में चले गए थे, मतलब वो चीजें बहुत इमोशनल है, याद। हाँ, बहुत हमें हर बर्थडे पे याद आ जाता है। हाँ। वो पनीर और वो सब तो याद आता ही है, याद आता है। थोड़ा सा ऊपर जाते तो मुझे याद आता है कि यार ऐसा भी एक दिन था। हाँ। मतलब कि ऐसा भी होता था कि 10 रुपए में सब लोग चाउमीन खा लिए। हाँ। मम्मी के वो सारा था, जैसे मतलब ये छोटी कटोरी है, ये छोटी कटोरी है, ठीक है। इस छोटी कटोरी के अंदर 10 रुपए की मम्मी चाउमीन ला, इसमें थोड़ा इसमें डाल दी, थोड़ा इसमें डाल दी, ऐसे हम सबको दे दिया। चारों में लड़ाई, हम तीनों में दे दिया ऐसे, लड़ाई नहीं होती ना। 10 रुपए में भी हो गया था, 5 रुपए याद ही। और आज 50 रुपए की चाउमीन एक अकेला खा जाए, 100 रुपए 100 के भी खा जाए तो 100-200 की हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। पेट तो भर जाता था ना तुम लोगों का। हाँ भर देते थे। पहले हम गली में कैसे बर्थडे मनाते थे, 1 रुपए का बन लाएंगे, मोमबत्ती उस टाइम सबके घर पे होती थी, उसी को जला के चल तेरा बर्थडे ना, चल हैप्पी। खुशी होनी थी यार, खुशी थी, मतलब वो अलग ही मजा आता है उस चीज में भी। कभी मतलब ऐसा लगता है वो भी टाइम बहुत अच्छा था, मतलब वो तो कुछ अहमियत नहीं रखता है, वो जरूरी था ना पापा टाइम। हर आदमी, अगर जो आदमी नीचे से उठता है ना, उसको हर चीज का पता होता है, हर लेवल का पता, हर चीज की अहमियत करता है। और खुशी, पैसा होना ना होना दूसरा बात है, लेकिन खुशी होना बहुत बड़ी बात है, आदमी को खुश रहना चाहिए। हाँ, अगर ज्यादा पैसे कमा के भी खुश नहीं है तो कोई फायदा नहीं। अब तो फैमिली आई गई है और सब साथ में रहेंगे, मजे करेंगे, और क्या। बहुत कुछ बातें है ना रवीना को नहीं पता है, ठीक। कुछ बातें जो रवीना को पता नहीं है, अभी थोड़ा इमोशनल हो गई वो, और जैसे जैसे पता लगेगा समझेगी उस चीज का अहमियत को। और देखिए आज पुराने व्लॉग्स देखेंगे सारे। हाँ, यही काम रह गया, सो जाओ चुपचाप से, 12 बज चुके। हाँ, मेहनत अपने लिए इंसान करता है तभी जाके कुछ हासिल कर पाता है। तो आज हमारा फैमिली साथ है, इससे बड़ा और क्या चाहिए। सही बात। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तो इस एयरबीएनबी में यही प्रॉब्लम थी कि पानी की बहुत दिक्कत थी, पीने का पानी बहुत लिमिटेड आ रहा था, और आ भी रहा था तो वो अजीब टेस्ट कर रहा था आरओ में भी, और नहाने का पानी नहीं आ रहा था, आ रहा था तो बहुत मुश्किल से आ रहा था, बस यही प्रॉब्लम थी। बाकी किसी रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस पानी की दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा हमें तंग किया हुआ था, अदरवाइज रहने के लिए बहुत सही जगह थी वो, खुला खुला रूम, 4 BHK सही था। उनके फर्स्ट कस्टमर हम ही थे, तो वो अभी बना रहे थे, मतलब उसको भी इतना डेवलप नहीं किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अंजलि के बर्थडे का दिखाएंगे। राधे राधे।